एनिमल लाइफ पर आपका स्वागत है। पेश है आज की कुछ खास खबरें। राजधानी शिमला नगर निगम का वार्षिक बजट इसी हफ्ते पेश होगा। डीसी शिमला आदित्य नेगी छुट्टी के बाद वापस आए हैं। आज ही बजट को डीसी को सौंप दिया जाएगा। इसमें किसी तरह के बदलाव के लिए नगर निगम को वापस लौटाया जाएगा। अगर बजट में कोई बदलाव नहीं होता तो बुधवार तक बजट पेश कर दिया जाएगा। इस बार के बजट में जनता के लिए कोई राहत नहीं है, बल्कि शहरवासियों की जेबों को ढीली करने वाला होगा। नगर निगम को प्रदेश सरकार ने जो आय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, उसका सीधा प्रभाव आम जनता को झेलने को मिलेगा। शिमला नगर निगम शराब पर भी सेस बढ़ा सकता है। हिमाचल की सुखू सरकार के लिए टोल बैरियर आय का एक अच्छा जरिया बनेंगे, इसलिए 3 मार्च को मंत्रिमंडल की बैठक में टोल बैरियर की नीलामी को मंजूरी दी गई है और आबकारी विभाग ने इसका रिजर्व प्राइस तय कर दिया है। वहीं टोल की नीलामी से विभाग को 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय होने की उम्मीद है। हिमाचल भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज के उस बयान पर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है, जिसमें भारद्वाज ने प्रदेश सरकार की तुलना पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार से की है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सुरेश भारद्वाज का यह बयान उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। देवभूमि हिमाचल की लोकप्रिय सरकार की तुलना पाकिस्तान से करना अनैतिक और निंदनीय है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की धार्मिक नगरी मणिकरण में पंजाब से आए सैलानियों ने खूब गुंडागर्दी मचाई। देर रात बाजार में हुड़दंग मचाया, कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की गई। लोगों के घरों और कारों पर पत्थर बरसाकर शीशे भी तोड़े गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले की जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी दी गई है। मणिकरण की घटना के बाद अब पंजाब के श्रद्धालुओं ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भी हंगामा किया है। प्रदेश के प्रवेश द्वार गरामोड़ा में पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद बाइक्स पर जा रहे श्रद्धालुओं ने चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक राजमार्ग बंद रहा। सूचना मिलने पर डीएसपी श्री नैना देवी जी विक्रांत बोसला मौके पर पहुंचे। स्वर्गीय पंडित सुखराम के बेटे और सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा है कि पूर्व की भाजपा सरकार के शासन में कुछ लोगों ने उन्हें काम नहीं करने दिया, अब वो क्षेत्र का हर तरह से विकास करवाएंगे। मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू और अन्य मंत्रियों के साथ उन्होंने कहा कि मेरे बेहतर संबंध हैं जो क्षेत्र के विकास में उन्हें मदद करेंगे। ये बात उन्होंने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कांग्रेस के मंडी के एक बड़े नेता पर भी तंज किया और कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम की अब कोई पहचान नहीं कहने वाले इन नेता की बोलती बंद हो गई है। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा, सिंथेटिक नशा और अन्य नशीले पदार्थों के तस्करों को जेल पहुंचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाने की तैयारी है। इसमें पुलिस और इसके गुप्तचर विभाग सीआईडी आदि से सक्षम अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। बटालियन से भी जवान लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू ने इस टास्क फोर्स को गठित करने से पहले गृह विभाग और पुलिस महकमे से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मोहाली की एक कंपनी में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू के रहने वाले 2 युवक नहर में गिरकर बह गए। दोनों अभी लापता हैं। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। दोनों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डूबे हुए युवकों की पहचान विराज चौहान और सुमित के रूप में हुई है। राष्ट्रीय स्तरीय होली मेले की पहली स्टार नाइट में हंगामा हो गया। देर रात जैसे ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंच छोड़कर गए, उनके साथ अधिकतर पुलिस कर्मचारी भी चले गए। स्टार कलाकार और पंजाबी गायक काका ने अभी प्रस्तुतियां देना ही शुरू किया था कि कई दर्शक मंच पर चढ़ गए। भीड़ लग गई, कलाकारों को पीछे हटना पड़ा। ऐसे में गायक काका को यहां तक कहना पड़ा कि अगर हंगामा शांत ना हुआ तो उन्हें मंच छोड़ना पड़ सकता है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चौपट नजर आई। निजी स्कूलों के बाद शिक्षा बोर्ड ने भी 10वीं कक्षा तक पढ़ाई जाने वाली किताबों की कीमतें बढ़ा दी हैं। कई किताबें इस बार 10 से लेकर 40 रुपए तक महंगी मिलेंगी। तीसरी कक्षा में शुरू हुई संस्कृत विषय की किताब के लिए भी अभिभावकों को 47 रुपए चुकाने होंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से किताबों के मूल्य में की गई वृद्धि का असर बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों पर पड़ेगा।